नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में आज एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और वो ऐतिहासिक फैसला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ देश में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर असर डाल सकते हैं। दरअसल ये ऐतिहासिक फैसला, जिसकी हमें और आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो मौजूदा सत्ता दल है उसके अंदर ये चर्चा और ये सुगबुगाहट बहुत पहले से हो गई थी कि चुनाव से पहले इस ऐतिहासिक फैसले को लेना है, और वो ऐतिहासिक फैसला है कृषि कानून को वापस लेना। विवादित कृषि कानून पर लगातार 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और जो किसान थे वो एक लंबे समय से प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मैं प्रदेश सरकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में यहां पर भी एक लंबे समय से जो किसान थे वो सरकार की नाक का बाल बने हुए थे और ऐसे में सरकार के सामने काफी कुछ समस्याएं थी कि कैसे 2022 का जो चुनाव होगा उस चुनाव को समेटना है और वोट बैंक को अपने पाले में खींच करके 325 वाला जो कि 2017 में आया था उसके आसपास पहुंचना है। लेकिन यह समस्या बहुत ज्यादा सरकार के सामने उस वक्त बड़ी हो गई जब पश्चिम से लेकर के पूरब तक किसानों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जमा होने शुरू हो गए, सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, पंचायतें करना शुरू कर दिया। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे देश को संबोधित करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने 18 मिनट के संबोधन के दौरान सबसे अहम फैसला लिया, जिस फैसले की उम्मीद हमें और आपको नहीं थी, जिस फैसले के बारे में हमने और आपने सोचा भी नहीं था कि सरकार ऐसा करेगी, लेकिन सरकार ने उस फैसले को लेते हुए कृषि कानून को वापस ले लिया। और ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम किसानों के हित के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी अहम चीज ये है कि लगातार जिस तरह से किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, तो क्या सरकार इन किसानों के हट के आगे खुद को नतमस्तक करती हुई दिखाई दी है इस फैसले के बाद? क्या सरकार को यह लग गया था कि अगर इस समय यह कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और सबसे अहम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वहां पर बीजेपी को बड़ी समस्याएं हो जाएंगी? क्या सरकार को यह लग गया था कि पश्चिम, जो कि उत्तर प्रदेश का राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां पर जो किसान है वो किसान दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जा सकते हैं? क्योंकि बताया गया था कि बीते सालों में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैं 2017 और 2019 की बात कर रहा हूं, जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी को पश्चिम से काफी कुछ मिला था, बंपर वोट मिला था, लेकिन इस बार क्या बीजेपी के दिमाग में यह बात आ गई थी कि इस बार वहां पर जो फतह है वो कर पाना मुश्किल है, वहां पर जो टारगेट है उसे भेद पाना मुश्किल है, क्योंकि किसान जो था वो दूसरे राजनीतिक दलों के मुंह में आ चुका था, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल लगातार किसानों के साथ खड़े हुए थे और कृषि कानून को लेकर सरकार को घेर रहे थे, चाहे वो महापंचायतों की बात हो या फिर किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसानों के सपोर्ट की बात हो। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की, जिसने आज कृषि कानून को वापस ले लिया। लेकिन क्या इस कृषि कानून को वापस लेने के बाद सारा मसला हल हो गया? जी नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान जारी किया, जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ, जैसे ही ये बात सबके सामने निकलकर सामने आ गई कि ये जो कृषि कानून है ये वापस ले लिया गया है, उसके तुरंत बाद राकेश टिकैत का एक बयान आया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक इसको कानून की तरीके संसद में पास नहीं किया जाएगा, जैसे कि कृषि कानून को पास किया गया था, तब तक हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे और हम सरकार के खिलाफ बैठे रहेंगे। तो अब इंतजार इस बात का है कि कब सरकार इस पूरे जो उन्होंने इस कानून को वापस लिया है इसे संसद में पेश करती है और मेज थपथपाकर एक बार फिर से इसके वापसी की घोषणा करी जाती है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरने की काफी कोशिश की है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, सबने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर किसानों ने अपनी जान गंवाई है। जो किसान कृषि आंदोलन में शामिल हुए थे उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही थी और सड़क पर प्रदर्शन करते करते ये किसान परलोक सिधार गए हैं।
सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जनता आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को तो साफ करने ही वाली है। इसके अलावा बाकी राजनीतिक दलों ने भी कहीं ना कहीं सरकार से इसी तरह के सवाल पूछे कि कई सारे किसानों की जब जान चली गई तब जाकर इस तरह का फैसला सरकार ने क्यों लिया। सरकार को यह लग गया था कि उत्तर प्रदेश में समस्याएं उनके लिए होने वाली हैं, सरकार ये जान गई थी कि किसान दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ चले जा रहे हैं और इस बार अगर हमें वोट नहीं मिला तो हमारा जो कमल है वो मुरझा जाएगा, और उसी को देखते हुए इस तरह का जो फैसला है वो सरकार ने लिया है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साल से ज्यादा का समय कृषि कानून को लगातार प्रदर्शन, किसानों की जान गई, और सरकार ने जब कई राउंड की बैठकें करी तो उसके बाद यह बात कही गई कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं दरअसल वो किसान नहीं है, वो कुछ बाहर से आए हुए हैं, कुछ खालिस्तीनी हैं, कुछ राजनीतिक दलों के सपोर्ट से प्रदर्शन को कर रहे हैं। लेकिन एकाएक आज इस फैसले को वापस लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार ने माइलस्टोन स्थापित करने का पूरा प्रयास किया कि हमने इस फैसले को वापस लेकर के किसानों के हित के बारे में सोचा। अब हित कौन सा था? हित कृषि कानून वाला हित था जो सरकार ने पहले लागू किया था, या ये वाला हित है? इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है कि आखिर असली वाला हित कौन सा है जिसमें किसानों को लाभ दिया जा रहा था, या इस कृषि कानून को रोक लगाकर किसानों को लाभ दिया जाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे हैं यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो एक इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।
लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और उस फैसले का फायदा कितना प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को और सबसे ज्यादा देश के किसानों को मिलेगा, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीसम जैदी समाजवादी पार्टी से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी समाज से जुड़े हुए हैं और किसान नेता के रूप में कमलेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है, अपना अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाही साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ बेहतर था, सब कुछ सही चल रहा था, आप लोग कह रहे थे कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग किसान ही नहीं हैं, ये तो कुछ राजनीतिक दल वाले हैं, कुछ खालिस्तीनी हैं, कुछ कहीं के हैं, कुछ कहीं के हैं, फिर अचानक से इसको वापस लेने का और फिर विपक्ष के ऊपर खुद को निशाना बनाने का क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। आवाज मिल रही शाही साहब आपको? शायद शाही साहब को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, हम फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। नितिन जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। शाही साहब, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा था। सवाल मेरा यही था कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, आप लोग बता रहे थे कि वो कुछ राजनीतिक दल वाले हैं, वो किसान नहीं है, वो कुछ खालिस्तीनी है, कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ वहां के हैं, फिर एकाएक अचानक से इस कृषि कानून को वापस लेकर के क्यों आप लोगों ने विपक्ष को खुद के निशाने पर रख लिया? नितिन जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि आज जो कानून बने थे पिछले साल, उसमें देश के किसानों का हित देखकर सरकार ने यह कानून बनाया था जी। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि दिए के प्रकाश की तरह साफ, ये कुछ लोगों को समझ में, हम समझाने में असफल रहे। अच्छा। ये कानून यानी कि दिए के प्रकाश की तरह, जैसा दिया एक प्रकाश करता है और उसमें साफ दिखाई देता है, वैसा ही था, लेकिन हम कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार कहता रहा कि 450 के आसपास जो है पूरे देश में रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं किसानों की, जिसमें 40 या 42 संस्थाएं इसके विरोध में धरने पर थी। 26 जनवरी की घटना के बाद 2 संस्थाएं उसमें से हट भी गई थी, तो इसमें देखिए आप बहुतायत 400 के आसपास ये लोग शामिल नहीं थे। नितिन जी, उसमें आपको जो ये आपने कहा कि विपक्ष के निशाने पर, तो विपक्ष को किसानों ने अपने मंच तक नहीं आने दिया। अच्छा। चाहे जो भी दल रहा हो उनको दूर रखा उन लोगों ने। ये लोग उनके कंधे का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आक्रमण करते रहे और आज भी करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आज एक अभिभावक की भूमिका में आकर अपने देशवासियों को के सामने अपनी, उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती हो गई,
आप लोगों ने कोई ये नहीं समझ में आ रहा है, देश हित में था तो मैं इसको वापस लेता हूं। अच्छा, तो इसको आप अगर ये कहिए कि किसी की हार हुई, क्योंकि विपक्ष में आज मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल गया है। हाँ। आज जो है विपक्ष उन्होंने तो नया मुद्दा बना लिया, हालत तो किसी की नहीं है शाही साहब, विपक्ष ने तो नया मुद्दा बना लिया। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव बोले हैं आज, क्योंकि आपके कार्यकाल में कई सारे किसानों की जान चली गई। अखिलेश यादव तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने डाला में कई मजदूरों को मरवाया था, तो इस्तीफा दिया था क्या उन्होंने? अच्छा, नहीं दिया था। तो ये नैतिकता का अखिलेश यादव तो न पढ़ाए कम से कम, या कांग्रेस न पढ़ाए। और मेरा ये कहने का तात्पर्य था नितिन जी, ये देश हित में जो कानून बना था आज हमारे कुछ किसान भाइयों के समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आपने खालिस्तानी और पाकिस्तानी और उसकी बात कही, तो मैं सबसे पूछता हूं, कोई बता दे कि इसका क्या, इसका आंदोलन में खालिस्तान के झंडे नहीं लगाए गए थे? अच्छा, मोदी जी के खिलाफ नारे नहीं लगे थे? 26 जनवरी को गणतंत्र की हत्या नहीं हुई? पंजाब में वो टावर 1500 नहीं तोड़े गए? तो ये सब घटनाएं अगर नहीं हुई हो तो हम लोग उसको कहना छोड़ दें। अच्छा, ठीक है, ठीक है शाही साहब, आता हूँ मैं। मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। मिसम भाई, सब कुछ तो ठीक हो गया भाई, अब तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? अब भी आप लोगों को समस्या है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे। क्यों इस्तीफा दे दे? अब तो कृषि कानून भी वापस ले लिया इन लोगों ने। नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए है, मगर एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। यानी कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कहा किसान अपने घर चले जाए वापस, जो इतने साल भर से बैठे अपने परिवार के भी, तो आज ही उनको क्यों याद आई किसान बाहर बैठे अपने परिवार चले जाएं? साल भर से किसान अपनी बात कह रहे थे। और सबसे पहले तो मैं किसानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के लोकतांत्रिक की जो हत्या होने से बचा लिया। देश में लोकतंत्र की जीत है, और वो भले ही ये जीत ऐसे टाइम पर आई हो, भाजपा को लोकतंत्र जब ही याद आता है जब चुनाव नजदीक होता है। अच्छा, इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप, क्यों वापस लिया गया? जाहिर सी बात है कि इनके भी अंदर सुखबुगाहट होने लगी थी। इनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी हार जो है वो महंगाई की वजह से हो रही है, तो इन्होंने पेट्रोल के दाम वापस लेना शुरू हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इनको लग रहा था कि अगर इसी तरह से हालात रहे, क्योंकि सारी एजेंसियाँ प्रधानमंत्री के पास आती हैं और रिपोर्ट देती रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि हमारे हाथ से जो है वो मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 सीटें जो हमारे विधानसभा से आती हैं, तो ये चुनाव हारता हुआ दिख रहा था। तो इनको देश के लोकतंत्र की भी याद आने लगी, किसान की भी याद आने लगी। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी किसी देश के किसान की चिंता करी है, ना देश के लोकतंत्र की चिंता करी है, ना देश के गरीबों की चिंता करी है। महंगाई बढ़ाते, आज वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? धीरे धीरे ये जो करते हैं वो वापस लेते हैं। आप देखिए CA NRC के अंदर भी इन्होंने बहुत बवाल किया, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री खड़े होकर कहते थे कुछ भी हो जाए हम किसानों का काला कानून, ये जो कानून है ये वापस नहीं लेंगे। और आज वापस लेकर के पछता रहे हैं, उसको लौट रहे हैं, वापस लेने के बाद ये बताते हुए चल रहे हैं कि हमने जो दिए की तरह सच था वो लोगों को दिखा नहीं। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हमारे देश के किसान और जनता मूर्ख है, या हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उनको मूर्ख कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें एक सबसे अच्छी बात यह कि जो सरकार है ये सरकार नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी रात में बैठ करके हमने भी बोला उस चीज के लिए कि ऐसे रात में बैठ करके कानून पास करते हैं। इनकी सरकार इनको देश से माफी मांगना चाहिए, तुरंत माफी मांगे, ये लोगों को खुद भी नहीं पता रहता है कि हमारे देश नहीं, बिल्कुल इनको भी माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री या जो भी संवैधानिक पद है उस पर किसी प्रकार का कोई कटाक्ष या किसी प्रकार का कोई आज सुधार जाने नहीं होनी चाहिए। काला कानून वापस किया है, इनको माफी मांगना चाहिए, नितिन जी इनको माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना पड़ेगा। मिसम भाई प्लीज सुन लीजिए, शाही साहब क्या कह रहे हैं। हां शाही साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर है उनको मूर्ख कह रहे हैं। ये है समाजवादी पार्टी की निम्न सोच, ये नीचता वाली सोच है इन लोगों की। इनको माफी मांगना चाहिए, देश में संविधान से बड़ा कोई पद नहीं है, देश में संविधान से ऊंचा कोई नहीं हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो। जो आदमी आम नागरिक, क्यों हमारी देश की जनता का सम्मान नहीं करेंगे?
आप देश के किसानों को आंदोलनजीवी कहेंगे, परजीवी कहेंगे, पाकिस्तानवादी कहेंगे, चाइना वालों का खालिस्तानवादी कहेंगे, देश के सिखों का, किसानों का आप अपमान लगातार साल भर तक आप करते चले आए, तब आपको अपमान नहीं दिख रहा था जब वो किसान के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही थी, गोली चलाई जा रही थी, दिल्ली के अंदर आपने पाली से मारा, लाठी से मारा, उस वक्त आप कहां थे? तब आपके तब आपको ध्यान नहीं आ रही थी जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है, देश की जनता का सम्मान नहीं है? आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इस तरह की बातों का आप सम्मान करते हैं क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सम्मान करते हैं, वो देश का मुख्यमंत्री नहीं है? आपने उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया तो ऐसा कहेंगे अखिलेश यादव, कहेंगे अखिलेश यादव ने, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत पहले ही ये बात घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी अनकरीब चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश का, और देखिएगा ये काला कानून वापस लेने के अपना हार है, और देश के सामने आपके प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। एक तो आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता है आपका प्रधानमंत्री कब कौन सा फैसला वापस ले ले, कब कौन सा फैसला कर दे, आप लोगों को तो खुद नहीं मालूम रहता। मैंने इससे पहले कहा था नितिन जी, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि इनके प्रधानमंत्री भक्काड़े करते जा रहे हो, ये सिलते जा रहे हैं, आप सिलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी कैबिनेट बुलाई? उन्होंने ये फैसला वापस लेने से पहले किसी कैबिनेट से पूछा? नहीं, आप शाही जी इसका जवाब दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, अगर वो देश में सबको बेवकूफ समझ रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हैं तो हम सब बेवकूफ हैं। ठीक है, प्लीज, हो गया, देश की जनता बेवकूफ है आपके सामने। किशन भाई प्लीज, हो गया, हम इनको माफी मांगना होगा। ठीक है, शाही साहब हम कराते हैं जी, इनको माफी मांगना होगा। माफी आपके प्रधानमंत्री माने, आप माने, आपके ऊपर 700 से ऊपर किसानों की हत्या का इल्जाम है, आपने 700 से ऊपर किसान मार दिए, देश के प्रधानमंत्री और जिन्हें आप आज किसान कह रहे हैं, चाहिए बाकी बाकी मेहमानों को छोड़ देता हूं, आपके नेताओं ने यही कहा था। ठीक है, शाही साहब हम लोग नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड में आते हैं हम लोग, नहीं थे कल, आप नेक्स्ट राउंड में आता हूं मैं आप लोग के पास, प्लीज किशन भाई नेक्स्ट राउंड में आता हूं, शाही साहब मैं आ रहा हूं प्लीज। नितिन जी, ये संवैधानिक पद को इन्होंने गाली दी नहीं, वो चीज मैंने बोली नहीं, किसी भी संवैधानिक पद पर या किसी को पर्सनल कोई भी कमेंट या किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कही जाएगी, मैंने बोला है माफी मांगना होगा नितिन जी इन्होंने माफी मांगना ही होगा आपके प्रतिष्ठित चैनल पर, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कहा है। अगर ये व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैंने ये बात बोली, माफी मांग लीजिए, मैं अभी इसी वक्त यहीं से खड़े होकर के मैं माफी मांग ऐलान करता हूँ। पहले आप माफी मांगे, आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगे काम कर रहे हैं, नहीं पता है, आपका अहंकार खत्म कर दिया किसान ने, आपका अहंकार खत्म हो गया है और आपको एहसास हो गया है कि आपके वंशराज दुबे, आपने देखा आज इतना बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ले लिया गया और सबने उसकी सराहना की। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार किसानों से हार गया, किसानों की जो प्रदर्शन चल रहे थे उसकी वजह से हार गया और इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। आप क्या कारण मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए नितिन जी, मुझे लगता है कि आज साल भर से जो हमारा देश का अन्नदाता किसान, जो जिसने ठंडी का पूरा महीना झेल गया, जो बरसात झेल गया, गर्मी झेल गया, उसके आंदोलन की जीत हुई, हमारे देश के अन्नदाता के आंदोलन की जीत हुई है। और एक अहंकारी, तानाशाही, अत्याचारी सरकार का जो फैसला था उसकी एक तरीके से हार हुई है। आप इस बात को समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए बड़ा एक दुर्दिन सा मुझे लग रहा है, बड़ी जद्दोजहद वाला दिन है। पहले तो साल भर इन्होंने प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए तानाशाही रवैये से तीनों काले कानून का जमकर समर्थन किया और हर चैनल पे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, एक एक लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के अभिभावक को मैं अभी सुन रहा था चैनल पे, आप ही के चैनल पे, कि वो कह रहे थे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। साल भर से नितिन जी, इस घटना को याद करिए सिलसिलेवार तरीके से, जब नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर किसानों के ऊपर ठंडी में पानी की बौछारें डाली गई तब वो किस तपस्या में लीन थे, जब उन किसानों के रास्ते में कीले गाड़ी गई तब वो किस तपस्या में लीन थे, जब इन्हीं के राज्य मंत्री ने, राज्य मंत्री का बेटा
किसानों के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियां चढ़ा देता है और पीछे अमित शाह के पीछे वो मंत्री खड़ा रहता है, तब और उसी समय नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में आकर अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब वो किस तपस्या में लीन थे? तो प्रधानमंत्री जी किस गुफा में लीन होकर चले गए थे जब हमारे देश का 700 से ज्यादा देश का अन्नदाता किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़ गया, शहादत उसको मिल गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनके कानों में जू तक नहीं देखती। तो आपको लगता, तो मुझे लगता है, जैसे शाही साहब अभी कह रहे थे कि विपक्ष के पास अब किसानों का मुद्दा खत्म हो गया, इसी वजह से इस तरह की बयानबाजियां? नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी अंगणित को सेट करने में बड़ी माहिर है। नितिन जी आप इस बात को समझिए, ऐसे लोग हैं कि राष्ट्र राष्ट्र को भी दांव पे लगा सकते हैं, अपना हिंदुत्व का जो कार्ड लेके घूमते हैं उसको भी दांव लगा सकते हैं, ये देश के किसान नौजवान माताओं बहनों सबको दांव पे लगा सकते हैं। इन्होंने अपने दो पूंजीपतियों के लिए, दो पूंजीपति मित्रों के लिए, उस समय जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, जब एक एक कार्यालय बंद था, उस समय पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने मित्रों के लिए तीनों काला कानून बनवाया और इनकी राज्यसभा में सीटें कम थी, बहुमत नहीं थी, बावजूद उसके किस तरीके से बिल इन्होंने पास करवाया। आप सोचिए, इनको शर्म नहीं आती है? एक तरफ है जो है पीडीपी, जिसको पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, जो पीडीपी अपने आप को कहती है कि हम अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, और दूसरी तरफ जब इनको लगा कि दर चुनाव अभी तमाम उपचुनाव में इनकी जब हार का सिलसिला शुरू हो गया, जब इनको लग रहा है कि इनके पाले से अब उत्तराखंड खिसक रहा है, गोवा खिसक रहा है, उत्तर प्रदेश खिसक रहा है, पंजाब खिसक रहा है, हिमाचल खिसक रहा है और गुजरात में भी सेधमारी हो चुकी है, अब इनकी एक तरीके से अभी अपने सही सही जो इनकी औकात है उस पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है और आपके चैनल में इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर चाहती है कि 50 रुपए में 40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिले, और ये जो काला कानून, इस तरीके के जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, इनकी औकात अगर हम लोग को दिखाना है तो इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको भेजना पड़ेगा। ये ऐसे लोग हैं, ये आप सोचिए, जिन्होंने देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी, आतंकवादी, एक से एक इनके मंत्रियों ने कहा, आप ये डिफेंड करेंगे यहाँ पे बैठ के? आज देश का, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री क्षमा मांग रहे तो क्षमा के काबिल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री क्षमा मांगे 700 परिवारों से। आम आदमी पार्टी की आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि उन 700 परिवार, जो 700 किसान हमारे शहादत जिनको मिली है, उनको शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनको मिले और उनके परिवार को किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का काम करे। आप क्षमा मांग कर आप इस तरीके से आप अपना मुंह मोड़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ कमलेश यादव है, किसान नेता। कमलेश जी आवाज मिल रही है आपको ना मेरी? जी सर। कमलेश भाई, आज तो सब कुछ ठीक हो गया, आप लोगों की एक लंबी लड़ाई थी, किसानों की समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं पर आज फुल स्टॉप लग गया है। प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि कृषि कानून हम वापस लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप में से कुछ ऐसे किसान हैं जो इस पूरे मामले को, इस पूरे कानून को समझ नहीं पाए, ये आपके लाभ के लिए ही था। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, हम तो बराबर इसके विरोध में थे, हम लोग बराबर इसका विरोध कर रहे थे, 1 साल हो गया लड़ाई लड़ते हुए, हम लोग सड़क से लेकर के और संसद तक हम लड़ाई लड़े हैं इसको, इसके विरोध में। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनका हम धन्यवाद देते हैं, गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो उन्होंने किसानों के हित में फैसला लिया, उनके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और ये कार्य प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे लगभग 700 से ज्यादा, लगभग 800 किसान भाई शहीद हो गए, और इन्हीं के मंत्री के बेटे के द्वारा हमारे किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देर आए सवेर आए, अकल आई बुद्धि काम की, आज उन्होंने आकर के जो माफी मांगी किसानों से, काम करी, जो कार्य किए, 2022 का चुनाव काम कर गया है। नहीं नहीं, मैं पूछता हूँ, ये राजनीति के ही लिए नहीं है रहे हैं, ये कोरोना में हो चाहे कोई महामारी हो, ये चुनाव कराने से चूकते नहीं है, चाहे प्रधानी से लेकर के, आप इतिहास इनका उठा करके देख लीजिए, हमारे देख लीजिए, पश्चिम के अंदर, पश्चिम भारत, पश्चिम प्रदेश के अंदर इन्होंने जब देखा कि अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और अब मुसलमान और हिंदू सब साथ साथ रहने लग गया है, अब आने वाले समय में हिंदू मुसलमान का इंतजार करिए, ये यहीं से मैं बता रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, जब इन्होंने देखा कि अब सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए ना,
किसान में हिंदू मुस्लिम जात पात सब खत्म हो गई है, तो अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा स्टार्ट होने वाला है और आने वाले समय में देख लीजिए कमलेश जी, जी कमलेश जी बात पूरी, इसको रात में लौट कर आए तो वक्त पर लौट रहा है, शाम को सुबह का भूला शाम को लौट रहा है, सुबह का भूला साल भर बाद लौट कर के आएगा, उसे लौट के आना नहीं करना। समाजवादी पार्टी को टॉनिक मिला हुआ है, टॉनिक नहीं मिला है, इन्होंने हमेशा अपमान किया है, इन्होंने हमेशा गालियां दी है, इन्होंने जब नोटबंदी करना थी कमलेश जी, देखिए मोदी जी ने एक बात कही है उसको कमलेश जी कहीं ना भूलिए, उन्होंने बात बोला क्या, मैं झोला उठाऊंगा लेके चल दूंगा, मिशन भाई सुन लेते हैं, कमलेश जी बताइए क्या कह रहे थे। देखिए राजनीति में सभी लोग राजनीति करते आए हैं, किसानों के साथ सभी लोग राजनीति करते आए हैं, किसान किसी राजनीतिक लोगों का इस समय बीच में नहीं डाल रहा है, किसान सरकार से सीधे बात कर रहा है और एक साल में सभी राजनीतिक पार्टियों को, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, हमारे किसान नेता की बात को ध्यान से सुने, शहीद हो गए किसानों के साथ में, किसानों के टेंट में कौन बैठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या कह रहे हैं ये किसान जान रहा है, किसान जाग चुका है, आप परेशान मत होइए। अच्छा कमलेश भाई, एक सवाल था कमलेश भाई, समय आएगा जी, बिल्कुल समय पर खुद किसान जवाब देगा। शाही जी सुन लीजिए, बहुत अच्छे कमलेश जी, बहुत बहुत आभार आपका, सब बोलने का, शाही जी आप भी सुन लीजिए, अभी आपने सपा और आप सुन लीजिए, शाही जी मैं तो आपका सम्मान, मैं तो आपका सलूट करता हूँ कि आप इतना बड़ा बड़ा भक्काड़ा, आप जैसे प्रवक्ता सीने चले आते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है कि आपका प्रधानमंत्री जब नोटबंदी की बात करता है तो किसी को बता ही नहीं रहता है, उसमें भी लाभ ढूंढे जाके आज तक नहीं बता पाए, अब किसानों के तीन कानून लेने के बाद भी इसका आप भलाई ना बता पाएंगे, इसका फायदा नहीं बता पाएंगे, अब हद हो गई है, आज तो आपने दिल चाहिए था, आपके कितने प्रवक्ताओं ने तो बात करने से मना कर दिया, बहुत हिम्मत ही है। शाही साहब, मिशन भाई मैं आ रहा हूँ, कमलेश जी एक सवाल मेरा आपसे था, शाही साहब है बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, आज उनसे जो पुराने गिले शिकवे थे वो तो आप खत्म हो गए होंगे आप लोगों के? नहीं, गिले शिकवे की बात नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे केंद्र सरकार से थी, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो हमारे देश के नेता, जो हमारे प्रवक्ता हमको किसान नहीं मानते थे और हमसे बात करने का समय नहीं मिलता था, जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी तक खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, हमको अलगावादी बता रहे थे, इनको किसान नहीं बता रहे थे, इनको कौन सी ऐसी दवा मिल गई जो चंद मिनट में माफी मांग करके तुरंत कमलेश जी सेंट्रल में दवा बन रही है, आने वाले समय में दी जाएगी, वो तैयार हो रही है दवा, जो किसान मानने वाली दवा ये बन रही है, आप परेशान, आप क्या मानते हैं कौन सी दवा है? कमलेश भाई आप क्या मानते हैं कि क्या कारण था और कौन सी दवाई है वो? देखिए वो दवाई ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके सर के ऊपर है जी। और पूरी केंद्र की जो भी राजनीति है और केंद्र के जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हर चीज का रास्ता हमारी यूपी से निकल के जाता है जी। आज हमारे देश की एकजुटता, हमारे देश का किसानों का बना हुआ संयुक्त मोर्चे को जो न तोड़ पाए, लास्ट में ये आकर के घुटने टेके और अपने कही हुई बात को इन्होंने वापस लिया। जो हमारे नेता, जो प्रवक्ता, जो हमारे मुखिया कह रहे थे कि बिल वापस नहीं होगा, हम तब भी कह रहे थे, हमारे किसान नेता, हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता तब भी कह रहे थे कि बिल वापस होगा, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि बिल वापस होगा जी। क्योंकि आज हमारे किसानों ने दिखा दिया है कि हमारे यहाँ किसान सर्वोपरि है, हमारे देश में जनता सर्वोपरि है, हमारे देश में कोई विशेष व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, आवाज सुनना पड़ेगा, आवाज उठ रही है उसपे विचार करना पड़ेगा, हमारा इस्तीफा दे दीजिए तत्काल प्रभाव से, कम से कम आप इस्तीफा दे करके और चिराग खाने का काम करें अपनी पार्टी में, ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये संविधान कौन बोल रहा है, मैं नितिन जी मैं सुन नहीं पाया हूँ, ये किसने इस्तीफा मांगा है, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दीजिए, अपनी पार्टी को चिराग दिखाने का काम करिए, क्योंकि आपके बड़े नेताओं में तो दम रहा नहीं, वो तो कमलेश जी एक और अहम बात बोल रहे हैं, कमलेश जी आपने कुछ टीका टिप्पणी को लेकर कुछ बोला है,
वो फिर से दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियां जो टीका टिप्पणी कर रही हैं, वो किसानों के साथ आपने देखा होगा, आपके चैनलों ने दिखाया होगा, एक साल में किसान के साथ कौन खड़ा हुआ, जो किसान भाई हमारे शहीद हुए उनके साथ कौन खड़ा हुआ, जब हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई जा रही थी, 100 से 180 से ज्यादा हमारे मुकदमे हमारे किसान संगठन के समाजवादियों पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, जब आप पर लाठी चल रही थी, अगर आपके लिए हम लोग बाहर निकलने का काम कर रहे थे तो हम पर मुकदमे लिखे जा रहे थे। पूछिए शाही जी से। हो गया मैं शाही साहब के पास अपनी आवाज उठा रहा है किसान। हाँ, हम लोगों पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, हमारे नजरबंद किया जा रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नजरबंद किया जा रहा था, हम पर मुकदमे लिखे जा रहे थे। हम लोगों पर मुकदमे, हम आपके तो हम पर मुकदमे का इनाम, भारतीय जनता पार्टी हमको मुकदमों का इनाम दे रही थी। ठीक है यादव जी, जो किसान की आवाज नहीं उठाई जाती है, किसान की आवाज दबाई जाती है। ठीक है यादव जी, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। हमारे नेता अपनी बात करे, ठीक है, हम नहीं अभी बॉर्डर खाली कर रहे, हम नहीं अपना धरना प्रदर्शन बंद कर रहे, हम कर रहे हो तो करते रहेंगे, जब तक हमारी बात पूरे हर तरीके से मान नहीं ली जाएगी तब तक हम खाली धन्यवाद देते हैं वो 130 करोड़ जनता जो हमारा सहयोग किया, जो लोगों ने हमारे बॉर्डर बंद से मोदी, मतलब अभी आप लोग प्रदर्शन को कंटिन्यू रखने वाले हैं, जारी रहेगा वो। देखिए हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, ठीक है, ठीक है यादव जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ। कमलेश भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। शाही साहब, कमलेश यादव जी ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि अभी जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही थी वो चलती रहेगी और अभी हम नहीं हटने वाले हैं, तो इस बात से अभी सहमत नहीं है किसान हमारे। नितिन जी, देखिए दो चीजें हैं इसमें, दो तीन बातें अभी खुल के आई हैं जी। किसान नेता हमारे कमलेश जी ने कहा कि हम लोग नहीं हटेंगे, इससे इनका ये राजनीतिक एजेंडा साफ साफ दिख जाता है, क्योंकि इन्होंने तीन काले कानून कह के राजनीतिक एजेंडा सुन लीजिए। आज समाजवादी पार्टी को कोई नई पावर मिल गई। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? अभी कमलेश जी ने कहा गए 600 लोगों के मरने की बात तो ये कर रहे हैं, बता रही है खिसियाहट और बौखलाहट बता रही है। आपने किसानों का साल भर खून पिया है, डिबेट पर अरे मानवर, हमने सुनने के अलावा किया क्या है? लाठी खाने सुनने के अलावा देश के प्रधानमंत्री की सुनी तो रहे थे, इसका नतीजा ये मिला है। ठीक है, प्लीज, हो गया। शाही साहब बताइए, इनके पास बताने को कुछ नहीं बचा है। नितिन जी, मैं बता रहा हूँ। अरे सर, बोलने तो दीजिए, आज आप बोलने भी नहीं दे रहे किसान। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज किसान साल भर से किसानों को मार मार के लाठी इन्होंने चुप कराया है, क्या मतलब है? न्याय के खिलाफ आवाज उठाना। अरे सुन तो ले, वो कह क्या रहे, जवाब तो ले लेते हैं उनका। हाँ शाही साहब, कोई जवाब नहीं है। जो फैसला प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का है, मोदी जी का, मोदी जी किसी से नहीं पूछते हैं। नहीं, ठीक है, प्लीज, हो गया। इनको क्या पता है शाही साहब? मिसम जी सुन लीजिए, मैं बेचारा नहीं हूँ, मुझे भी बहुत तेज बोलने आता है, और आप लोग नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। 600 किसानों की बात कर रहे थे, क्यों नहीं अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत थी कि जाके वहां मातम पुरसी करते? और आपने कहा कि हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे, आपके अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमे कितने लगाए गए बताइए, और क्यों नहीं गए आप लोग मातम पुरसी में? वहां यहाँ बैठकर बिना मतलब की बेहूदगी बात आप लोग करते हैं। मैं संसदीय सत्र के लिए क्षमा चाहता हूं। आप प्रधानमंत्री को आपने मूर्ख कहा, गलत बात बोलने नहीं दे रहे। सुनिए नितिन जी, जब से मैंने कहा है, कोई एक भाई हमारा बता पाया है कि खालिस्तानी झंडे लहराए गए कि नहीं लहराए गए? वहां पर बलात्कार हुए कि नहीं हुए? वहां पर जला के मारा गया कि नहीं मारा गया? अरे फिर वही चुप रहा तो एक बात बताइए, बताइए आपके पास साक्ष्य के लोग नहीं थे? अगर संस्कार आपके दल ने संस्कार नहीं सिखाया है,
आप बताइए आपके पास कोई साक्ष्य है भाजपा के लोग नहीं थे वो तो भाजपाई थे ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई नहीं चलने वाली है शाही जी शाही जी अच्छा शाही जी एक सवाल मेरा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्या 56 इंच का सीना खालिस्तानी के आगे कौन हो गया भाई क्या क्या 56 इंच का सीना डर गया खालिस्तानियों से आप हार गए इसका मतलब जो झंडे खालिस्तानियों ने आपको दिखाए थे यानी कि आप चाइना से हार गए आप पाकिस्तानियों से हार गए आप देश विरोधियों से परजीवियों से आंदोलन जीवियों से हार गए ना तो फिर 56 इंच की बात का तो फिर राष्ट्रवाद की बात का मानवर अरे शाही जी राष्ट्रवाद की बात का अरे मर जाएंगे पूरी पार्टी एकदम नीचे गिरती जा रही है अरे ये बातें कहां गए अरे मैं सुनना चाह रहा हूँ शाही जी 56 इंच का सीना दिखाओ मुझे सीना दिखाओ जुबानी है मुझे बताओ कहां गया 56 इंच का सीना जो खड़े होकर के कहते थे अरे हार गए अरे शर्म करिए शाही जी आपने क्या बात कह दी अरे आपकी पार्टी के बारे में आपने कैसी बात कह दी अरे मैंने तो संदेश आया है उससे अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री उनके अंदर पानी नहीं जा पा रहा है अखिलेश यादव मूर्छित पड़े हैं किशन भाई अरे ये करके बोलिए भाई ऐसे नहीं होता अरे डिबेट डिबेट का डेकोरम ऐसे बनाए रखिए प्लीज प्लीज आज इनको जाकर के माफी मांगनी चाहिए थी आकर के अपने अरे उनकी बात तो सुन लीजिए किशन भाई उनकी बात तो सुन लीजिए 700 किसान मरा है वोट बैंक गया हमारे तमाम जानने वाले मर गए शहादत पा गए अरे शहीद हुए हैं लोग अरे बात तो सुन लीजिए ऐसे तो किसी की बात नहीं आएगी शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को बैठ करके सिवा चुनाव के अलावा इसी बदजुबानी की वजह से ठीक है प्लीज 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 आप उसी बदजुबानी की वजह से आप आज ये पार्टी आपकी समाजवादी पार्टी खत्म है ठीक है प्लीज हो गया पानी नहीं मिल रहा है प्लीज प्लीज उस टोटी चोर आदमी को आज पानी नहीं मिल रहा है आ गए टोटी चोर ये असलियत है टोटी चोर की शाही जी आपसे खुद का टोटी चोर आज जो है मैं कहूंगा भाई कहना पड़ेगा जब आप कहोगे तो मैं नहीं कहूंगा ठीक है प्लीज आप जो आप मूर्ख प्रधानमंत्री को बोल सकते हो तो टोटी चोर नहीं कर सकते शाही साहब और हिंदुओं की हत्या कराने वाले मौलाना मुलायम सिंह श्रमिकों की हत्या ज्वाला में कराने वाले मौलाना मुलायम सिंह खूनी आदमी इस पार्टी के गुंडे यहाँ बैठकर जो है हम लोगों से बहस करेंगे समाजवादी पार्टी के गुंडे यहाँ बैठकर बहस करेंगे यहाँ गुंडई नहीं चलेगी आपकी एकदम नहीं चलेगी गुंडई और चलने नहीं देंगे हम लोग और ये जनता 2022 में आपको आपकी औकात बताएगी समाजवादी पार्टी की औकात 2022 शांत हो जाऊंगा लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों को चुप कराइए मत बैठाए कीजिए चुप करा रहा हूँ वंशराज दुबे कुछ कह रहे हैं जी देखिए नितिन जी बड़ा साफ था एक साल से जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन देश के लाल वर्सेस देश के दलालों के बीच में था एक तरफ जो हमारे देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के दलालों के साथ खड़ी थी अपने पूंजीपति मित्रों के साथ खड़ी थी जो किसानों के खेत खलिहान किसानी को बर्बाद करने पे तुली हुई थी उस तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी थी दूसरी तरफ देश के लाल अन्नदाता किसान थे जहां पर हिंदुस्तान का हर नागरिक था जो किसानी खेती से जुड़ा हुआ है जहां पर आम आदमी पार्टी हर स्तर पर देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी रही जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर दिल्ली में तमाम स्टेडियम अरविंद केजरीवाल जी से मांगा था कि हमको स्टेडियम आप दीजिए हम इसको जेल बनाएंगे और तमाम किसानों को उसमें कैद करने का काम करेंगे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मना करने का काम किया रात में 2:30 बजे जब यही भारतीय जनता पार्टी ने यही शाही जी की पार्टी ने किसानों का पानी बंद कर दिया शौचालय बंद कर दिया और उनके ऊपर किस तरीके से आंसू गैस के गोले छुड़वाए गए उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने रातों रात वहां पर पानी के टैंकर भिजवाने का काम किया उनके खाने और रुकने की बंदोबस्त करने का काम किया एक मिनट रुकिए हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता है आदरणीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी जिन्होंने जिनसे माइक टूट गया था विरोध के समय में राज्यसभा में उनको निलंबित कर दिया गया संसद से निलंबित कर दिया गया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको न जाने किस किस संज्ञा से उनको न जाने किस किस संज्ञा से नवाज रहे थे आज मुझे लगता है माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जो सदन के अंदर माइक तोड़ी थी वो इसीलिए तोड़ी थी कि जो साल भर से आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो वो ना हो सके और आज जीत हुई है तो किसानों के
किसानों किस आंदोलन की जीत हुई है, आपके अहंकार की हार हुई है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा शाही जी आपसे, निवेदन करना चाहूंगा, आपके पूर्वज भी किसान रहे होंगे, आप कितना भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख लीजिए, लेकिन आप जरा अपने छाती पर हाथ रख के इस बात को कहिएगा कि एक साल से जिन माताओं बहनों का सुहाग छिन गया, जिन भाई जिन बहनों का भाई छिन गया, 700 लोग जो शहीद हो गए, उनको आप क्या जवाब देंगे मुझे जरा बताइए। शाही साहब बताइए क्या कह रहे थे। नितिन जी देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी के सदस्य हमारे भाई अभी कह रहे थे, इन्होंने दो बातें कही अभी। इन्होंने कहा कि हमारे माननीय सांसद जी से माइक टूट गया था पहले, उसके बाद इन्होंने दूसरा वाक्य तुरंत कहा कि उन्होंने माइक इसलिए तोड़ा। इसीलिए तोड़ा ताकि तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे थे। सुन लीजिए, आप हड्डियां तोड़ रहे थे किसानों की, एक लाइन, आप हड्डियां किसानों की तोड़ रहे थे, आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे थे, 17-17 मुकदमे कर रहे थे। एक मिनट नितिन जी, और यही केजरीवाल जी हैं जो सदन में इसी बिल को उन्होंने पास किया था, इसी बिल को पास किया था। पढ़ के आया करिए, मैं पिछली बार एक डिबेट में आपसे रोजगार के विषय में बात किया तो आप गुल हो गए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि पढ़ के आया करिए, संसदीय कार्रवाई को पढ़ के आया करिए। देश में जब कोई संसद में कानून पास होता है, सुनिए पहले आप, देश की संसद जब कोई कानून पास होता है तो किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, वो कानून स्वतः लागू हो जाता है। आप पर क्या लागू हो गया था, लेकिन आपने उस दिन क्या किया था सदन में, ये भी बता दीजिए देश को, इस सम्मानित चैनल से बता दीजिए। आप पढ़ाने भाई, आप मास्टरी कर लीजिए कहीं पढ़ाने के लिए, हमको मत पढ़ाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी जो मिलता है उसको बंद करिए पढ़ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देश के सदन में जब कोई कानून पास होता है तो सदन पूरे देश में लागू हो जाता है। उस दिन सदन में क्या किया था आप लोगों ने, फिर नाटक क्यों, ड्रामा क्यों किया था, आप बताइए। देखिए बेशर्मी वाली बात अलग है शाही साहब, लेकिन जिस मूर्खतापूर्ण की आप बात कर रहे हैं, आप फिर बोलेंगे माफी मांगिए तो ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था, पूरा देश जानता है। आप एक बार में 1000 बार क्षमा मांगिए, और ये बात अलग है। आज कमलेश जी ने बहुत ठीक बात कही, कमलेश यादव जी हमारे किसान नेता, उन्होंने ठीक बात कही कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमको कागज नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लोग हो जो इनके हक पे याद कहोगे। वो तो जुमला था, हमारे प्रधानमंत्री ने जुमला बोल दिया, जैसे देश के गृह मंत्री ने यहाँ तक 15 लाख नहीं है। आप लोगों ने क्या किया था उस दिन, कौन सा ड्रामा हुआ था विधानसभा में, कौन सा ड्रामा हुआ था बता दीजिए भाई। बेशर्मी की हद है, आज भी आप उस दिन और इस दिन की बात कर रहे हो। साल भर आपने लाठियां चलवाई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, अभी अभी भी आप बेशर्मी की बात कर रहे हो। कमलेश जी के पास चल के बात, दिल्ली सदन में क्या ड्रामा हुआ था बता दीजिए। शाही साहब हिम्मत तो बता दीजिए। अरे लखीमपुर में कौन सा ड्रामा हुआ था जब आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कीड़ा मकोड़ा समझते हुए किसानों को रख डाला, और गृह मंत्री के पीछे पहले देश का गृह मंत्री कह रहा था, मैं कैमरा से ढूंढ रहा हूँ कि लोग अपराधी लोग कहाँ हैं, और पीछे उनके एक अपराधी खड़ा हुआ जिसके बेटे ने चार चार किसानों को गाड़ी चलवा दी। ठीक है, बिल पास किए थे, आप भाग रहे हो गया, प्लीज हो गया, कमलेश जी के पास चले गए, भाग रहे हो। ठीक है शाही साहब, कमलेश जी दुनिया को पढ़ाने मत, पंथराज दुबे जी और बड़े ज्ञानी लोग चले गए यहाँ से, मुझे बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए किस ड्रामे की बात कर रहे हैं। माफी कर ले, काम सावरकर का काम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काम है, जवाब दोस्त है, भागना और माफी मांगना उनका काम है। आम आदमी पार्टी के नेता की तो सुन लीजिए, नितिन गडकरी जी से माफी मांगा उन्होंने, अरुण जेटली जी से माफी मांगा, सावरकर के पश्चिम अरुण जेटली जी से माफी मांगना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माफी मांगना, लेकिन तुम्हें माफी मांगना था। आप लोगों ने कमलेश भाई, आप लोगों ने लिखित में माफी मांगी, आगे की रणनीति क्या है कम शब्दों में बताइएगा। केजरीवाल के पार्टी ठीक है, ठीक है दुबे जी प्लीज, लिखित में शाही साहब प्लीज, किसान की बात सुन लीजिए प्लीज, किसान नेता हमारे साथ कमलेश यादव जी, कमलेश जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में। देखिए हमारी रणनीति एकदम खुली हुई है, हम अपनी बात और हमारे संयुक्त मोर्चे के जो नेता है
उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया है, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम चरूनी जी हो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है दादा मान सिंह जी ने, इन सभी लोगों ने कहा है कि कल हमारी बैठक है संयुक्त मोर्चे की सिंधु बॉर्डर पर, और जो भी संयुक्त मोर्चा हमारा निर्णय लेगा, जब तक हमको लिखा पढ़ी में कागज नहीं मिलेगा, हमारी एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे की लड़ाई है, ये किसान की, देश की, अन्नदाता की, पूरे भारत के जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ में खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं, जो बैठे हैं, और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, उन परिवारों के लिए हमारा संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं, जो भी जैसी भी आवाज उठाएंगे, हम लोग उसी प्रकार से बराबर अभी धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। ठीक है, मैं सब कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से बात करते हैं। नितिन जी, सरकारों में आना और जाना लगातार लगा रहता है, मगर जितनी बेइज्जती और रुसवाई से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी के साथ मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि बहुत सुनते आए थे कुल से आदम का निकलना, लेकिन तेरे कूचे से बहुत बेआबरू हो के हम निकले। ये हालत है बीजेपी की, कमजोरफ है वो गुब्बारे जो चंद बेआबरू हो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो किसान कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए सबसे अहम बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उस कृषि कानून को वापस ले लिया। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह फैसला इसीलिए पलटा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए जो किसान था वो मौजूदा सरकार से काफी नाराज है और इसी वजह से सरकार ने एकाएक अचानक से इस फैसले को लिया। आप देखना ही होगा कि इसका लाभ किसे मिलता है, मौजूदा सत्ता दल को या विपक्षी एक बार फिर से इस मुद्दे में कुछ नया ढूंढ कर लाते हैं और सरकार को एक बार फिर से उसका कोई तोड़ ढूंढना पड़ेगा। आज की डिबेट में इतना ही, मध्य जनमति, नमस्कार।